the Grinch. मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसका भेद की है मैनू पता लाना ही पैना है। समीर किथे है? भजन ने समीर दा खून कर दिता है। अते समीर दा भूत बहुत एक गड़बड़ है। जो आदमी भूतां तो डरदा है ओ भला किसे इंसान दा खून किवें कर सकदा है। पैसे ते मोती लेके भी भज गया। बल्ली बल्ली बहुत गड़बड़ है। शुक्र है तुहानू पता ते चलिया। ओए सुन, मैं एयरपोर्ट ते जाके सारे पैसेंजर्स दी लिस्ट देखिया। आज सवेर तो लेके हुण तक 3 प्लेन हैदराबाद तो इत्थे आए हन। एक भी पैसेंजर दी लिस्ट विच उस एंडरसन दा नाम नहीं मिलिया। मैनू भी यही लग रहा सी। ते फिर असली गुनाहगार कौन है? ओ कलासो खुद या फिर समीर या फिर ओ भूत होना है। भूत? इत्थे भूत कित्थों आ गया फिर? तो थानेदार साहब अपना ध्यान रखियो। थानेदार साहब, आज राती कोलासो दे घर तुसी पुलिस नु तैनात कर दियो। टिंके मिंके तुसी भी रात उठे रहोगे। ते तुसी? मैं सैमुअल सन कोलासो दी कबर किथे है? थोड़ा होर चल के वेखदा। ओए फेटे मुंह, नाइट ड्यूटी मैनू चंगी नहीं लगदी है। ओए मिनके तू चुप कर। क्रिमिनल दे फड़न दे लई ता ए सब बहुत मच्छर ने थे, बहुत मेहनत करनी पैंदी आ। एक गल दसो, तुसी अपनी जिंदगी च किन्ने क्रिमिनल फड़े ने? सारे तो बल्ली वीरा फड़दा है, तुसी बस जेल च बंद कर दियो। थानेदार साहब, ओ वेखो, फॉलो करो। इन्ने वड्डे कब्रिस्तान विच सैमुअलसन कोलासो दा कबर लभना मुश्किल लग रहा है। ड्राइवर साहब, होर तेज चलाओ, होर तेज, होर तेज, होर तेज चलाओ, होर तेज। गोली ना चलाना, उन्हां लोकां नूं जिंदा फड़ना पाऊगा। ओए, ये आदमी कौन है? एकी, ये मैं की देख रहे हैं? गया परो इत्थे राके की गया? ओए सैमुअलसन कोलासो, इता एंडरसन कोलासो दे दादी दी समाधि है। की है की इस दे अंदर? एक ही है? इन्ना सारा पैसा? ओए और या ओ ब्रीफकेस, मैनू इसे दी लोड़ सी। की खटारा जीप नाल पिछक कित्ता जांदा है? जिवें तुसी ओवें दी तुहाडी जीप। ओए की होया? ओ देखो सामने टुटिया होया कच्च, पैसे नाल भरिया होया ब्रीफकेस। उस कवर विच भी पैसे ने,
हाय ओए, इतने सारे पैसे किस दिन है? दसो ना बल्ली वीरे। समीर, ब्रीफकेस ता समीर लेके भजया सी ना, ओ भी ता लाल रंग दा ही सी। टिंके, जरा देखता ब्रीफकेस विच कोई पासपोर्ट है। हाँ, वेखदा बल्ली वीरे। इस विच ता मोती भी सी। नहीं बल्ली वीरे, इस विच ना कोई पासपोर्ट नहीं। कोई मोती भी नहीं है? नहीं। इसका मतलब एंडरसन सानू झूठ बोल रहा सी। हो सकता है जो ये ब्रीफकेस लिया है सी, वो मोती अपने कोल रख के सिर्फ पैसे रखना आया सी इत्थे। इसका मतलब कल रात नू कब्रिस्तान विच समीर ही आया सी। हो सकता है। ते फिर कल राती ऐनी रात नू एंडरसन दे करो गड्डी च कौन निकलिया सी? चलो थानेदार साहब, असी चलते हैं। टिंके मिंके, मैनू उसे थां ते लेके चलो जिथे उस गड्डी दा टायर पेंचर होया सी। चलो बल्ली, सवेरे ही थाने एक नवी जीप आई है। चलो। बल्ली वीरे, यही है वो था। संभाल के कच है उथे। बल्ली वीरे, ऐ टूटिया हुआ कंच किन्ना मोटा है, वेखो ता। हाँ, बिल्कुल सही कह सी तू। बल्ली वीरे, सैमुअल संदी तस्वीर। और तस्वीर नू लेके आ मेरे कोल। एक केस बहुत ही उलझता जा रहा है। थानेदार साहब, एंडरसन दे घर दे सामने मेनू ला दियो। ते असी बल्ली वीरे, तुसी दोवे इस तस्वीर नू संभाल के कर ले जाओ। जदों तक मैं मुड़ के नहीं आउंदा, थानेदार साहब तुसी इना दे नाले रहोगे। ठीक है बल्ली। हाँ मिस्टर बल्ली, एक केस कित्थों तक पहुंचा? मिस्टर एंडरसन, इस विच थानू कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कल राती मेरा एक दोस्त आया सी। डिनर करन तो बाद उंदी गड्डी दा पुलिस ने पीछा कीता, पर वो एक ही इज गुड ड्राइवर। उसकी गड्डी रोक नहीं पाई पुलिस। दिस इज सिंपली हैरेसमेंट। प्लीज प्लीज ध्यान रखो। माफ करना, पुलिस नू गलत फहमी हो गई होनी है। मैं उन्होंने कह दियांगा। चंगा, हुण मैं चलदा हाँ। संभाल के रहो। ठीक है, थैंक यू। हुण मैं समझ गया, सब समझ गया। हुण सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब ओ एंडरसन ही असली गुनहगार है। हुण तस्वीर वाली कंध उत्ते हुण सिर्फ एंडरसन दे फादर मिस्टर ब्रैंडन कोलासो दी तस्वीर है। इसका मतलब कल रात नू उना दी कार विच उना दे दादा सैमुअलसन कोलासो दी तस्वीर सी। ओ, उसे तस्वीर दा कच टुट के रस्ते विच पिया होया सी। मतलब उना ने तस्वीर नू सुट दिता होना रस्ते विच। सुटिया नहीं, डिग पिया सी। हड़बड़ी विच ओ लोग लब नहीं पाए सी। ओए बल्ली वीरे, फिर ओ आदमी जदो असी गड्डी दा पीछा कर रहे सीगे, उस वेले तुसी उस आदमी नू वेख्या सी ना कब्रिस्तान च? इयो ता सोचण वाली गल है। जेकर समीर नू फड़ लिया ता सब कुछ साफ हो जाऊगा। अच्छा बल्ली वीरे, एनी रात नू लोग उना दे दादा जी दी तस्वीर लेके किथे जा रहे सी? ते फिर असली गुनाहगर कौन हो सकदा है, समीर या एंडरसन कोलासो? जा फिर ओ भूत भी हो सकदा है। शाबू, पानी दे जा, आज जल्दी सो जाऊंगा मैं। ए एंडरसन, समीर पूत, इंदा सोच सोच के रातां दी नींद उड़ गई आ। जेकर बल्ली ने कह दिता कि उसनू सब समझ आ गया, ता फिर चिंता दी कोई गल नहीं है। ए केस जल्दी सॉल्व हो जाऊगा। की होया शाबू, पानी दे के जा मैनू। लेके आउना मालिक। थानेदारा, हुण तेरी वारी है। तेरा खून पियूंगा थानेदारा, थानेदारा। कौन कौन है? पूत। बल्ली, उस सैमुअलसन दी आत्मा मैनू भी। आखिरकार और मेरा की होगा? मैनू बचाओ।
बल्ली मैनू हुण बचाओ। शांत हो जाओ थानेदार साहब, थोनू कुछ नहीं होवेगा। बल्ली वीरे आ वेखो एक चिट्ठी। चिट्ठी लेके अंदर। आ रहा। हुण तुसी जल्दी वापस आ जाओ, मुंडे दी तबीयत ठीक नहीं है। एने रुपए घर विच किवें रखा, थोड़ी तनखा एनी वध गई, पर तुसी घर क्यों नहीं आंदे हो, छुट्टी क्यों नहीं मिलती, होर रुपए नहीं चाहिए, बस जल्दी तुसी घर आओ, थोड़ी गंगावती। एकी एक इस दी चिट्ठी है। क्यों गंगा देवी दी चिट्ठी की लगती है थोड़ी? झांसी। झांसी? उत्तर प्रदेश दा एक शहर है, झांसी पोस्ट ऑफिस दा स्टैंप लग्या होया है। पर ए चिट्ठी किस दे कोलो आई है? ओही तो सोच रहा मैं। मतलब क्यों थानेदार साहब कोल नहीं है चिट्ठी? मेरा मजाक उड़ा रहा तू, ऐदा मैनू भला कौन चिट्ठी लिखूगा? ए चिट्ठी आई है 100/18 मेन रोड लेन दे। ए की ए ता कब्रिस्तान दा एड्रेस है, 118 मेन रोड लेन, लॉर्ड्स कार्जन दे कोल। की तुसी सच बोल रहे हो थानेदार साहब? 100% सच। किन्नी वारी किन्ने सारे केस दे लई मैनू उस कब्रिस्तान ते जाना पिया, ओ जगह मैनू चंगी तरह याद है। धन्यवाद धन्यवाद थानेदार साहब। टिंके मिंके तुसी कर जाओ, मैं हुणे उस कब्रिस्तान च होके आउणा। हुण आऊगा मजा। एकी तुसी लोग आना पिया। आ जाओ। अच्छा मेरे पासपोर्ट का कुछ पता चलिया? लगता है मिल गया है। मतलब किथे? मेरा मतलब मेरा ब्रीफकेस समीर। रुको रुको मिस्टर एंडरसन, थानू इतनी जल्दी भी क्यों है? थानेदार साहब आ जाओ। एकी भजन? भजन लाल प्रसाद, दूसरा ना है शिवचरण झा, ते होर एक ना है कब्रिस्तान दा भूत। मैनू छड दियो साहब, मैनू छड दियो, मैं कुछ भी नहीं जानदा, ए सब इन्हां ने मेरे तो करवाया है, ते उस दे बदले तेनू पैसे भी मिले ने। पैसे दे लई समीर दा खून भी कर दिता तुसी? बल्ली दोगे। ए तू की कह रहा है बल्ली, समझ विच कुछ भी नहीं आ रहा है। समीर ता भजन दा खून करके भज्या सी, ते हुण तू कह रहा है कि भजन ने समीर दा खून कीता है? तू मैनू थोड़ा खुल के दसेंगा बल्ली? असल विच एंडरसन कोलासो कदे भी विदेश नहीं गए, ए ने इस कोलासो वंश दे कलंक, अपने बाप दादा चाचे दियां बनाईयां होईयां पेंटिंगां बेच के बहुत पैसा कमा रहे सी। इस तो अलावा इस घर विच एंटीक चीजां अते जवाहरात भी बहुत ने। ਇਹ ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਦਣ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀ 4254-1946 ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਟਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਮੇਸ਼ ਝੁੰਝੁਨਵਾਲਾ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਐਂਟਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਐਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਟਿਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਣ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੈਮਿਲਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਮੇਸ਼ ਝੁੰਝੁਨਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਝੁੰਝੁਨਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਮੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਮੀਰ ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਤਿਰ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਸਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ
इस कार नूं घूम के वेख रहा सी तद उस वेले इस एंडरसन दे टेबल उते मैनू एक कैश मेमो दिखिया। उस नूं मैं अपनी जेब विच रख लिया। उस स्लिप तो मैनू मिलिया रमेश झुंझुनवाला दा एड्रेस। उस झुंझुनवाला नूं जद मैं फड़िया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। इसका मतलब उस रात नूं उस काले रंग दी कार विच ओ झुंझुनवाला ही उस सैम्यूएल दी तस्वीर लैण आया सी। बिलकुल सही। समीर दा खून करके पुलिस नूं गुमराह करन तो बाद रमेश झुंझुनवाला नूं बुला के एंडरसन ने अपने दादा जी दी तस्वीर उसनूं दे दित्ती ते फिर पुलिस दे डर तों तस्वीर दा फ्रेम तोड़ के कच्च सड़क उत्ते बखेर दित्ते ताकि थोनू रोक सके अते इस झमेले तो मुक्ति पाउण लई ओ तस्वीर सुट दित्ती। मैनू छड़ दो, मैनू बचाओ, मैनू माफ कर दो। ए कैदा दे शातिर क्रिमिनल नूं माफी। बली दो ग्रेट ते ओ भूत। और या भूत श्रीमान भजन लाल, जद एंडरसन नूं लग्या कि उसदे कारोबार विच समीर ही सब तों वड्डा रोड़ा है तां उहने भजन नूं भूत बना के समीर नूं डराउणा शुरू कर दित्ता। फिर ओह कब्रिस्तान दा किस्सा। असल विच जिहड़ा भजन लाल है उस कब्रिस्तान विच काम करन वाला आदमी है। जद समीर दी वजह नाल इह घर विच पैसे नहीं रख पा रिहा सी तद इन्हां ने भजन लाल नूं हायर कीता। फिर इह अपना सारा पैसा रखण लगे अपने दादा जी सैम्यूएलसन दी कबर विच। तस्वीरां अते हर चीज़ां बेचण तों बाद सारा पैसा चलिया जांदा सी भजन लाल दे कोल ते भजन लाल रात नूं रख दिंदा सी उस कबर दे विच। मतलब सारा पैसा उस कबर विच सी। ऐसे लई चिट्ठी विच उसदी पत्नी ने लिखिया सी कि इन्ने पैसे गंगावती कर विच नहीं रख सकदी। भजन अपने हिस्से दे पैसे अपने पिंड भेजदा सी। उदन रात नूं भी इह भजन पैसिया का भरिया होया ब्रीफकेस कबर विच रखन गया सी पर उसनु नहीं पता सी कि मैं उसनु कब्रिस्तान च वेख रहा। मैनु लगदा है समीर है सब कुछ समझ गया सी, ऐसे लई ओह रात नु कब्रिस्तान विच गया सी। ते इस समझदार एंडरसन ने पहला ही भजन नु भूत बना के कबर उत्ते बिठा दिता सी ते बेचारा समीर डर गया सी ते तुहाडे कोल पहुंच गया ते ऐ खबर भजन तो चली गई एस एंडरसन दे कोल। सही क्या ना बल्ली वीरे। ते एंडरसन ने गुंडे भेज के तुहानू मारन दी कोशिश कीती। पर जेकर समीर सानू पहला ही सारा कुछ दस देंदा ता शायद उसदी जान बच जांदी है ना बल्ली वीरे। ओ डर गया सी जेकर ओ सानू सब कुछ दस देंदा ता एंडरसन ओनू जान तो मार देंदा। इसलिए सिर्फ भूत दे बारे ही दस्या। ते उसदे बाद जद एंडरसन ने वेख्या कि असी तहकीकात कर रहे हैं करदे बार रात नू पुलिस दा पहरा रख रहे हैं तद इन्हां ने भजन नू भूत बना के थानेदार साहब नू डराउन लई भेजिया। ते फिर भजन वेले उसदी जेब चो डग पई सी उसदी पत्नी गंगावती दी चिट्ठी। ते इस चिट्ठी ने तुहानू पहुंचा दित्ता यानी कि उस कब्रिस्तान दे पते ते। ते उत्थे जाके तुसी इस भूत नू फड़िया। ते इस वार थानेदार साहब तुसी इन्हां नू फड़ लो ते सिद्धे जेल च बंद कर दियो। अच्छा बल्ली वीरे ओ पासपोर्ट। ओ चुप, जिसने कदे शहर तो बाहर कदम नहीं रखिया उसका पासपोर्ट किवें हो सकता है। चलो साडा काम खत्म, किसे रेस्टोरेंट में चलते हैं। भाई बड़े दिन हो गए स्वादिया चिकन रोस्ट खादे नू। या!